Bismillahirrahmanirrahim. My name is Rashid Kokar, and today we are studying the Introduction to Legal System, and specifically the Part A, Introduction to Global Legal System. Introduction to Global Legal System ko jab hum start karte hain, to sabse pehle jo chapter isme hai, wo hai Introduction se mutalliq. Introduction तो द ग्लोबल लीगल सिस्टम में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसमें सिंपली सबसे पहले ये बताया गया है कि लॉ क्या चीज है. लॉ इनफैक्ट एक ऐसी मशीनरी का नाम है जो लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज को सिक्योर करती है. और इनफैक्ट जो लॉ है वो ऐसी रहनुमाई मुहैया करती है कि जिसके तहत लोगों के रवैयों को, लोगों के कंडक्ट्स को मैनेज किया जाता है. अब जो इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल लीगल सिस्टम है इसमें बेसिकली जो चीजें हम डिस्कस करेंगे उनमें जो वर्ल्ड वाइड लीगल सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एप्लीकेबल हैं, उनके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे. जिस तरह कॉमन लॉ है, सिविल लॉ है, रिलीजियस लॉज हैं जिनमें शरिया इन इस्लामिक लॉ है, हलाका इन ज्यूइश लॉ है, कैनन लॉ इन क्रिश्चियनिटी है. सिमिलरली हम इसमें कस्टमरी लॉज को डिस्कस करेंगे. इसके अलावा जो ग्लोबल लीगल सिस्टम है इसमें जो कदीम जमाने में लॉज को मुरतब करने में, लॉज को तहरीर करने में जिन नेशंस ने किरदार अदा किया और जो तहरीरी शक्ल में लॉज सदियों पहले, हजारों साल पहले सामने आए, उनसे मुतालिक हम मालूमात हासिल करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल रोमन लीगल सिस्टम है जिसमें 12 टेबल्स जो तकरीबन 2500 साल पहले रोमन्स ने इंट्रोड्यूस करवाए. इसी तरह जो है जो सिविल लॉ ट्रेडिशंस, फिर कॉमन लॉ, फिर कस्टमरी लॉज, फिर सोशलिस्ट लीगल सिस्टम, फिर इस्लामिक लीगल सिस्टम, देन नेचुरल जस्टिस इन द लीगल सिस्टम, देन डेवलपमेंट ऑफ द लॉज इन द वर्ल्ड, इनसे मुतालिक कुछ जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं. इसी तरह एक टॉपिक जो हमारे पहले चैप्टर में आ रहा है वो है ग्लोबलाइजेशन विज अ विज वर्ल्ड लीगल सिस्टम. इनफैक्ट इसमें जो क्रक्स और थीम है इस टॉपिक का वो ये है कि जो वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स हैं इनफैक्ट डिफरेंट नेशंस के जो वर्ल्ड लीगल सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं कुछ मामलात में. और उसके रीजन ये है कि तिजारत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो स्टेट्स के आपस में रिलेशंस हैं उन चीजों को मैनेज करने के लिए, इकोनॉमिक्स को मैनेज करने के लिए जो डिफरेंट नेशंस के जो लीगल सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं और अल्टीमेटली जो है वो इकट्ठे मिलके ग्लोबलाइजेशन मुरतब करते हैं.
जिसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ी तादाद जो वर्ल्ड वाइड जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे हैं, और इनके इकट्ठे होने से ये चीज़ वाजे होती है कि ग्लोबलाइजेशन के तहत जो है ये अपने मुख्तलिफ लॉज को ओवरऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंसानियत के मुफाद के लिए करते इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स हैं, सिमिलरली जो विमेंस के जो राइट्स हैं, इसी तरह जो ट्रेड से रिलेटेड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं उनसे मुतालिक ग्लोबलाइजेशन जो है का जो कंसेप्ट है वो सर फहरिस्त है जो इस्तेमाल होता है। अब इसमें जब हम देखते हैं तो जो राइटर्स हैं वो इस पे लिखते हैं कि एवरी लीगल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, एस्पेशली इन द सर्टन एरियाज ऑफ ह्यूमन राइट्स, जस्टिस एंड पीस, ट्रेड, गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेसी इन अ स्टेट। देयरफॉर एवरी स्टेट हैज टू फेस चैलेंजेस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स नेशनल लीगल सिस्टम, एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन इज एन इंस्ट्रूमेंटल फोर्स टू इम्प्रूव द लीगल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द स्टेट्स इंट्रैक्ट एंड कॉपरेट विद ईच अदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। तो जो चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, पीस, ट्रेड, गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेसी एटसेट्रा, और इस तरह से मुतल्लिका बहुत से दीगर मामलात में एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं ताकि वो अपने शहरियों के बेहतरीन मुफादात की खातिर ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। इसी कंसेप्ट का नाम जो है वो ग्लोबलाइजेशन है। अगेन, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन एंड इंटेग्रेशन अमंग द पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स ऑफ डिफरेंट नेशंस। सो इन दिस रिगार्ड जो ग्लोबलाइजेशन है इसके तहत दुनिया भर के लोग, दुनिया भर की डिफरेंट स्टेट्स से ताल्लुक रखने वाली कंपनीज और गवर्नमेंट्स ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के तहत मिल बैठते हैं ताकि वो बाहमी मुफादात की खातिर काम कर सकें। नेक्स्ट टर्म इसमें जो एक हमारा टॉपिक वो है द एवोल्यूशन ऑफ लॉ, कि लॉ जो है वो किस तरह डेवलप हुआ। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो लॉ जो है वो सोशियोलॉजी का एक सब्जेक्ट है कि जिसके तहत लोगों के समाजी रवैयों को कंट्रोल्ड फॉर्म में मैनेज किया जाता है और इसके पेश नज़र लोगों के राइट्स को सिक्योर किया जाता है और लोगों की जो ड्यूटीज हैं उस हवाले से उन्हें एनफोर्स किया जाता है कि वो अपनी ड्यूटीज ऐसे तरीके से सर अंजाम दें। क्योंकि जो एक इंसान के राइट्स हैं वो दूसरे इंसान की ड्यूटीज हैं,
और जो एक इंसान की ड्यूटीज़ हैं वो दूसरे इंसान के राइट्स हैं। सो राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो है वो पैरेलल रेसिप्रोकल हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो एक दूसरे के साथ है। एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट दैट लॉ इज इन फैक्ट द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी। सो द लॉ डिवेल्प्स विद द डिवेलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक। न्यू एडवांसमेंट्स इन द पब्लिक एरिना मेक न्यू इशूज एंड लॉ इज रिक्वायर्ड टू मैनेज दोज इशूज। सो एज टू कीप पीस विद सोसाइटी द डेफिनेशन एंड एक्सटेंट ऑफ लॉ मस्ट कीप चेंजिंग। मतलब ये है कि विद द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, लोगों की जिस तरह ज़रूरियात बढ़ती हैं, लोगों के इश्यूज बढ़ते हैं, उन इश्यूज और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लॉ सामने आता है, और इसी तरह जो लॉ है उसमें डेवलपमेंट होती रहती है। अकॉर्डिंग टू जस्टिनियन, लॉ इज द लॉर्ड ऑफ ऑल mortal and undying issues which should be the boss, the ruler and the pioneer of the honorable and base, and in this manner the standard of what is simply and out of line, the leader to creatures normally social of what they ought to do, the forbidder of what they ought not to do. So Justinian के point of view के मुताबिक law एक ऐसी force का नाम है जो हमेशा रहने वाली force है और जो undying issues को deal करने वाली force है और जो लोगों के रवैयों को control करने वाली force है। और लॉ एक ऐसी फोर्स का नाम है कि जिसमें जो काम करने वाला है उस हवाले से लॉ एनफोर्स करती है कि फलां जो है वो काम करें, और जो काम नहीं करने वाला उसमें लॉ की ताकत जो है वो फॉरबिड करती है, मना करती है कि फलां काम नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ इज द टोटल ऑफ गाइडलाइंस सेट बाय मैन एज पॉलिटिकल prevalent or sovereign to men as politically subject. तो ऑस्टन के मुताबिक लॉ एक ऐसी रहनुमाई का नाम है कि जिस रहनुमाई के तहत जो लोग या जो सब्जेक्ट या जो किसी नेशन या किसी स्टेट के अफराद हैं उनको उस रहनुमाई की रोशनी में मैनेज किया जाता है। इसी तरह लॉज की डेवलपमेंट और एवोल्यूशन, सो द डेवलपमेंट ऑफ द लॉ जो है वो डिफरेंट स्टेजेस में हुई, जिसमें अगर हम सिंपली इसको करैक्टराइज करें तो पहली स्टेज में के जो एक सोसाइटी का जो यूनिट है वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल्स फैमिलीज की सूरत में रहते हैं और फैमिलीज को नॉर्मली जो मेल पर्सन है वो लीड करते हैं, वो हेड करते हैं। तो सबसे पहले फैमिली का कंसेप्ट जिसमें मेल पर्सन उस फैमिली को चलाते हैं। सिमिलरली फिर फैमिलीज का इकट्ठे रहना ग्रोह की शक्ल में या कबाइल की शक्ल में, और जिसमें जो मेल पर्सन्स हैं उनके पास अथॉरिटी होती है कि मुख्तलिफ मैटर्स में, मुख्तलिफ मामलात में डिसीजंस देते हैं। और थर्ड स्टेज जो है वो है कि जिस तरह जो फैमिलीज जब इकट्ठी रहती हैं कबाइल की सूरत में तो फिर ट्रेडिशंस पैदा होती हैं। और चौथी स्टेज के कनेक्शंस बिटवीन द
फैमिलीज एंड बिटवीन द पीपल, वो पैदा होते हैं जिसके तहत रसूमात बनती हैं, और फिफ्थ स्टेज में रिटन फॉर्म में रूल्स एंड रेगुलेशंस मुरतब होते हैं, जिनको हम नॉर्मली कोड कहते हैं। और सिक्स स्टेज में जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स एक सोसाइटी में डिफरेंट लोगों के आपस के ताल्लुकात और उनके मामलात होते हैं। इस तरह करके जो है वो लॉज जो है वो डिवेलप होते हैं। तो ऑन द अदर हैंड, इसको आप दोबारा आसान अल्फाज में जब हम देखते हैं तो इससे मुराद ये है कि जब जब से लॉज की जो है वो इब्तिदा हुई और लॉज डिवेलप हुए, तो सबसे पहले जो है वो इंसान फैमिलीज में रहते हुए, फैमिलीज का जो हेड था वो एक एक शख्स मेल पर्सन था, उस फैमिलीज के जो मामलात थे वो एक सिंगल पर्सन जो है वो उनको एड्रेस करता था। फिर वो जो खानदान हैं जब वो इकट्ठे हुए तो फिर कबाइल की सूरत बनी, फिर उन कबाइल्स के जो हेड था वो उन कबाइल्स में रहने वाले फैमिलीज के मामलात को मैनेज करता था, फिर उन कबाइल से आगे जो उनके आपस के मामलात थे उन हवालों से रसूमात पैदा हुई, रूल्स एंड रेगुलेशंस पैदा हुए। फिर जिस तरह आबादी और तादाद बढ़ती गई वो रसूमात और रूल्स एंड रेगुलेशन तहरीरी शक्ल में बने, और इसी तरह जिस तरह एक सोसाइटी जो है और कबाइल जो है वो बढ़ते गए तो रियासतें जन्म लेने लगीं, उन रियासतों के जो है वो मामलात तहरीरी शक्ल में बने, फिर रियासतों से हट के जो है डिफरेंट जो रियासतें हैं वो बनी, और इस तरह जो है वो एक यानी दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने जो है वो जन्म लिया, और फिर उनके अपने डिफरेंट जो क्राइटेरियाज हैं, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स हैं, उस हवाले से जो है वो लॉज तहरीर हुए बने। तो इस तरह जो है वो लॉज जो है वो डिवेलप हुए। एक और कंसेप्ट जिसका हम रिलीजियसली देखते हैं कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर इंसान की रहनुमाई के लिए डिफरेंट रिलीजियस बुक्स, सहीफे और अम्बिया की सूरत में तालीमात जो है वो इंसान की रहनुमाई के लिए भिजवाई, और वही जो तालीमात हैं इनफैक्ट जितने भी लीगल सिस्टम्स हैं उनकी बुनियादें रिलीजियस और स्पिरिचुअल लॉज ही हैं। तो इस तरह जो है फिर लॉज आगे तहरीरी शक्ल में आए, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हजारों साल की हिस्ट्री के बाद जो है वो डिवेलप शेप में आए। तो ये तो है एवोल्यूशन ऑफ लॉ और ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लॉ। तो इस तरह हमारा जो ये टॉपिक है जिसमें हमने चैप्टर वन में इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल लीगल सिस्टम का जो चैप्टर वन है उसमें स्लाइट इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने ग्लोबलाइजेशन विज वर्ल्ड लीगल सिस्टम के कंसेप्ट को देखा, और उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ लॉ के टॉपिक को हमने डिस्कस किया। होपफुली इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। इट इज द एंड ऑफ आवर टॉपिक नाउ। थैंक यू वेरी मच।